तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो ऐसा है, 2023 में सिर्फ एक्शन मास मसाला ही नहीं देखने को मिला है, इसके साथ हमें बहुत से प्योरिटी ऑफ कंटेंट भी देखने को मिला है। कोई बायोग्राफी मिशन रानीगंज हो गई, उसके बाद बहुत सी ऐसी वेब सीरीज, तेलुगु स्टोरी स्कैम 2003, भाई इसने तो आग फाड़ दी थी। इसके बाद जो अभी इसका सेकंड वॉल्यूम आने वाला है, आई थिंक नवंबर 5 में या फिर नवंबर 6 में ये रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से कंटेंट आए हैं। अभी 12th फेल जो 3 दिन पहले मूवी रिलीज हुई है, उस पर भी एक रिव्यू लेके आऊँगा, क्योंकि उसका कॉन्टेंट सुपर सॉलिड है। देखो ऐसे छोटे मोटे बजट की जो मूवीज होती हैं या फिर वेब सीरीज होती हैं, इनके पास प्रमोशन के लिए इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से ये अपना अच्छा खासा बिजनेस करके जाती हैं। तो 12th फेल जो स्टार्टिंग बड़ी स्लो थी, लेकिन अब अच्छा जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे एस्पिरेंट्स 2 के बारे में। भाई साहब, अगर आप एक स्ट्रगलर हो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा पीक वो आ चुका है कि यार अब आपको अकेलापन महसूस होता है, तो यस एस्पिरेंट्स 2 आपके लिए ही है, क्योंकि वहाँ से आपको ढेर सारा इंस्पिरेशन तो मिलने ही वाला है। दूसरा ये कि जब सोशली आप इनएक्टिव हो जाते हैं, अपने आप में ही खुल मिल रहते हैं, और बाय गॉड वो चीज़ इसलिए भी रहती है क्योंकि आपको वाकई में कुछ करना है। और एस्पिरेंट्स 2 जो एक UPSC की लाइफ दिखाई है, मतलब एक UPSC एस्पिरेंट्स की एक लाइफ दिखाई है, कैसे वो स्ट्रगल करते हैं अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, रात दिन एक करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलेंगी। दूसरा यहां से जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है, जो बारीकी से दिखाया गया है, वो भाई गॉड अमेजिंग है। भाई गॉड आपको पुराने दिन याद आ जाएंगे, ऐसी बॉन्डिंग उन्होंने सेट करके रखी है। और जब ये नाम आता है ना TVF, तो भाई साहब ये तो अलग ही आग फाड़ता है, क्योंकि वेब सीरीज इन्हीं की है। तो यहाँ से यार एक ट्रस्ट ये बिल्ड हो जाता है कि भाई लोग ये आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो भाई साहब एस्पिरेंट्स 2 अमेजिंग है, सुपर अमेजिंग है, मैंने फुल सीजन देख लिया है। तो अगर आपने अगर फर्स्ट सीजन नहीं देखा है, तो आपको सेकेंड सीजन उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक बार के लिए आप इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन की क्लास में हो तो ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पूरी कहानी समझनी है, उनका फ्रेंड सर्कल समझना है, क्योंकि ये कहानी 3 दोस्तों के ऊपर शो करी जाती है। और मेनली ये कहानी घूमती है नवीन कस्तूरिया, जो अविनाश का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मेन लीड में शायद फेस उनको ही दिखाया जा रहा है। तो 3 बंदे हैं SK, जो बहुत ही दमदार, मगर ना फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा होता है जो हमेशा लोगों को जोड़ के रखने का काम करता है, मतलब अपने ही दोस्तों को जोड़ के रखने का काम करता है। और यस SK वो काम यहाँ पर बखूबी कर रहा है। तो SK का जो रोल प्ले करेंगे वो अभिलाष थपलियाल हैं, और अभिलाष का रोल प्ले करेंगे नवीन कस्तूरिया, जो मेन लीड हैं, और गुरी का जो रोल प्ले करेंगे शिवांकित सिंह परिहार। ये बंदा यार मल्टी टैलेंटेड बंदा है, इसने बहुत से ऐसे करेक्टर रोल प्ले करे हैं जो वाकई में छाप छोड़ के जाते हैं। अगर आपने इनकी कोई भी एपिसोड्स अगर देखे होंगे, राजा रवीश कुमार का बेस्ट करेक्टर है, मेरा फेवरेट करेक्टर इस बंदे का, ऑसम। तो जो season 1 में थी कहानी, वो इसको जस्टिफाई करते हैं सेकेंड सीजन में। और 6 साल बाद अभिलाष अब हो जाता है सिलेक्शन, अभिलाष किस हो जाती है सिलेक्शन UPSC में एज IAS। तो ये DM कहाँ का बन जाता है, रामपुर का। लेकिन 6 साल बाद क्यों, क्योंकि ऐसा हुआ था कि फर्स्ट सीजन में हमें ये देखने को मिला था तीनों लोगों के बीच में कुछ अनबन होती है, वहाँ से तैयारी होती है, बट किसी का सिलेक्शन ढंग से हो नहीं पाता है। संदीप भैया अगर आपको याद है तो इनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन दोबारा ये बंदा जो अभिलाष है, ये अपनी नौकरी वोकरी छोड़कर दोबारा से जाता है राजेंद्र नगर में, मतलब 0, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा चला जाता है। तो एक अच्छी चीज़ भी यहाँ से ये देखने को मिलती है कि भाई साहब अगर आपको हीरो बनना है ना, तो भाई साहब आपको 0 तो फिर से बनना पड़ेगा। और ये चीज़ इसमें बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाई है, मतलब इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आपको कहीं से कहीं तक इसमें कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बंदा दोबारा से वही लाइफ जीने चला जाता है, और यस इसका हार्ड वर्क सक्सेस भी होता है। पहले था कि ये तीनों एक साथ थे, जहाँ से जब ये UPSC की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ SK भी इसे मिला था, गुरी इसे मिला था, और अभिलाष एंड इसकी गर्लफ्रेंड थैर्या, उस पर भी बात करेंगे आगे आके। तो यहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में वो सब चीज़ ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड सर्कल में वही कह रहा हूँ ना कि फ्रेंडशिप वाला जो मोड होता है ना, आपको एक बार के लिए कभी कभी बहुत इमोशनल कर देगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये रिकॉल में देखेंगे कि भाई हम एक लाइफ कैसे जीते थे, कैसे मिलके रहते थे, लेकिन अब देखो इतना खटासपन आ गया है, इतनी दूरियाँ आ गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलती रहेंगी। तो दूसरी तरफ अभिलाष अब ये डैम श्योर सीरियस हो चुका है, क्योंकि इच्छा थी IAS क्रैक करने का, और ये चीज़ क्रैक कर नहीं पाया था, तो उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था। होते हैं कुछ लोग जिनमें ये चीज़ ना घर कर जाती है कि जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है वो लोग बिल्कुल अनसेटिस्फाइड रहते हैं, और वो चीज़ बहुत ही बारीकी से दिखाया है। होते हैं बहुत से लोग होते हैं ऐसा, जिनको अपने लक्ष्य से इतनी मोहब्बत हो जाती है या घुस जाते हैं उसके अंदर, तो वो बहुत ही बारीकी से दिखाया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इंस्पिरेशन का जो तड़का देखने को मिलेगा, भाई साहब आपके गूज़बम्प्स उठ जाएंगे एक बार के लिए बिल्कुल। सेकंड सीजन में
अब कहानी आगे हो चुकी है फॉरवर्ड। एसके जो अब एक कोचिंग सेंटर का टीचर है और जबरदस्त टीचर, गुरु एक अब एक बिजनेसमैन बन चुका है जिसकी शादी धैर्य से हो जाती है। धैर्य याद है आपको फर्स्ट सीजन में, अगर किसी ने देखा है फर्स्ट सीजन, तो धैर्य गर्लफ्रेंड थी अभिलाष की, तो उस वजह से गुरी और अभिलाष के बीच में हो गया था पंगा। दूसरा, आपने अगर फर्स्ट सीजन देखा है तो धैर्या का एक ही डायलॉग होता था कि यार बैकअप जरूर होना चाहिए, लेकिन संदीप भैया जो एक आइडल थे, राजेंद्र नगर के आइडल थे, एस्पिरेंट्स के एक आइडल थे, उनको उनके द्वारा क्या कहना था कि बैकअप होता है लूजर्स के लिए, विनर्स के लिए सिर्फ एक फोकस होता है। आई थिंक मुझे ढंग से पूरा डायलॉग याद नहीं आ रहा, बट इस सेम थिंग का कुछ वो बोलते थे और ज़बरदस्त तरीके से बोलते थे। तो यही चीज़ पे उन्हें लास्ट में एक रिग्रेट करते हुए भी देखा कि यार बैकअप जरूर होना चाहिए, ये चीज़ भी बड़ी अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। तो खैर इस पे बात करेंगे तो एक अलग की थ्योरी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एक बार देखा जाए तो। तो सेकेंड सीजन में क्या होता है कि यूपीएससी तो संदीप भैया क्रैक कर लेते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है कौन सा पद, उन्हें आईएएस नहीं मिलता है, उन्हें लेबर यूनियन का हेड पोस्ट मिलती है। दैट्स वाई कि वो थोड़े से अनसेटिस्फाइड भी होते हैं। तो एक बार के लिए संदीप भैया और अभिलाष में, इन दोनों में एक बार के लिए बड़ी भयंकर अनबन भी हो जाती है, क्योंकि लेबर यूनियन का हेड है वो, और कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क लेबर के लिए हो जाता है जिससे लेबर यूनियन धरने पर बैठ जाती है, जो चीज़ अनसेटिस्फाई करती है अभिलाष को जो डीएम बन चुका है। तो एक बार कॉन्ट्रोवर्सी भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अभिलाष एक चीज़ बड़ी पॉइंट वाली मारता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, मुझे सर कह के बुलाइए। तो एक जो कॉन्वर्सेशन चलता है वहाँ पर, तो संदीप भैया उससे बोलते हैं कि भाई तू मुझे आइडल मानता था, तेरा टोन कैसा हो चुका, तेरा बिहेवियर कैसा हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन में ला देंगी। तो इमोशनली बहुत दमदार चीज़ है। फ्रेंड सर्कल में जो बॉन्ड देखने को मिलेगा, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड, एसके का जो रोल है ना, बहुत दमदार रोल है भाई। हर फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा होता है, डेफिनेटली होता है, जो हमेशा अपने बारे में कम सोचता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, और यही चीज़ एसके ने बहुत ही बखूबी निभाते नज़र आया है। दोनों को, गुरी को, अभिलाष को, सबको जोड़ के रखना चाहता है, और वही चीज़ इसकी खुशी वाली होती है। ये बंदा अपनी लाइफ में सक्सेस है, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है जो भी ये काम कर रहा है, लेकिन वही चीज़ यार कि जो स्टार्ट करी गई थी, जो जर्नी साथ में स्टार्ट करी गई थी, अब वो सब टूट चुका है। तो उस चीज़ को ये जोड़ने के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सपोर्टिंग कास्ट है। तो हर एक करेक्टर बहुत दमदार हैं इसके, मज़ा आ जाएगा आपको। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक बार आप जरूर एस्पिरेंट्स देखें। अगर आप वाकई में एक स्ट्रगलर हो तो आपको तो देखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है, और भर भर के मोटिवेशन मिलने वाला है। ऊपर से आपको एक, जो हम अपनी लाइफ में जो बिजी हो गए ना, दूसरा ये सोशल लाइफ कैसे मैनेज करी जाती है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो एवरी थिंग इज टिप टू टॉप, गुड टू ऑल, एकदम फैंटास्टिक, फेबुलस, एक्सीलेंट मैं कहूँगा। तो आप भी जाएं देखें और मज़ा लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगला रिव्यू किसका करेंगे, 12th फेल का रिव्यू करेंगे, जो भी इसी के कॉन्टेंट से मिलता जुलता है। उसमें भी आईएएस बनने के होड़ में कहानी चल रही, तो अगला रिव्यू उस पर ही करेंगे। फिलहाल के लिए अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।